फॉर्चुनर जी आर स्पोर्ट। जी हाँ, आपने लेजेंडर देख ली, रेगुलर फॉर्चुनर देख ली, अब देखो फॉर्चुनर जी आर स्पोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है गगन और बात करते हैं कि क्या कुछ बदलाव है जी आर स्पोर्ट में, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रिल जो है उसमें बड़ा बदलाव है, बहुत ही रॉबस्ट मस्कुलर ग्रिल जो है वो यहाँ पे लगती है, और जी आर है इसलिए रेड कलर में जो है उसका होना जरूरी है। तो रेड कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। डी आर एल जो है वो कुछ इस तरीके के आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सब जलते हैं। ये दो रिफ्लेक्टर बेस्ड में लो बीम है और हाई बीम जो है वो आपका प्रोजेक्टर में यहाँ पे दी गई है सारी की सारी LED। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट फॉर्चुनर की हमेशा से रही है, मतलब एटलीस्ट जब से नई वाली फॉर्चुनर आई तब से रही है, और इसमें भी वही चीज़ कैरी होती है। यहाँ पे फॉग लाइट है, ये आपके पास में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है, और इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा भी है। जी हाँ, फॉर्चुनर में 360 डिग्री कैमरा है, बट अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को सनरूफ चाहिए फॉर्चुनर में, भैया सनरूफ यहाँ पे नहीं है, और उसके अलावा जो है 60 डिग्री कैमरा का साइड वाला कैमरा जो है वो आपके उसमें यहाँ पे मौजूद है। ये आपके पास में रिम जो है वो भी एक्चुअल में बड़े हैं, 20 इंच के रिम है, 265/50R20 ये रिम का साइज, ये टायर का साइज है, रिम जो है 20 इंच के, बहुत ही बढ़िया दिखने वाले रिम है, रेड कलर के ब्रेक कैलिपर जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ये आपके पास में रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो दूसरी तरफ भी आता है। उसके बाद हमें पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी थोड़े से बदलाव है बम्पर वगैरह में। फॉर्चुनर जो है वो रेड कलर में लिखा गया है कम्प्लीटली, और ये जी आर स्पोर्ट की बैजिंग जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो एग्जॉस्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है। जी हाँ, ये डीजल इंजन जो है वो नहीं है, ये पेट्रोल इंजन वाली फॉर्चुनर यहाँ पे है, और कोई भी सिग्मा 4 या ऐसी कोई चीज़ जो है वो मेंशन नहीं है, और ये लेजेंडर भी नहीं है, फॉर्चुनर जी आर स्पोर्ट ही नाम है। थोड़ा सा चेंजेस जो है वो यहाँ पे आप बम्पर में पीछे वाले में देख पा रहे हैं, और नीचे लटकता हुआ देख पा रहे हैं आप स्पेयर व्हील जो कि फुल साइज़ है अगेन, इस वजह से जो है बड़ा सा वो बाहर लटक रहा है। मैं आपको बूट खोल के बताता हूँ। हाँ, खुल जा भैया, इलेक्ट्रिक बूट है, और इतना ही स्पेस है, कुछ भी चेंजेस यहाँ पे बूट में भी जो है एज सच है नहीं। क्वालिटी जो है वही है जो कि ऑनगोइंग फॉर्चुनर की इंडिया में है, वैसी की वैसी क्वालिटी, उसमें भी किसी तरीके का कोई बदलाव यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ये सीट साइड वाइज ऊपर जाती है और उसी तरीके की सीट यहाँ पे देखने को मिलती है, कोई भी चेंज उसमें नहीं है। अंदर में एक बार चल लेता हूँ, अंदर में आपको दिखाता हूँ। सॉरी, ये 2.8 ये तो डीजल इंजन है एक्चुअल में, और डीजल इंजन में ये वाला एग्जॉस्ट यानी कि एग्जॉस्ट भी चेंज है, वो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा रहा मैंने देख लिया, वरना जिसको पता चल जाता वो तो मेरे को गालियाँ दे देके मार देते हैं। एनीवे, यहाँ पे जो है आपके पास में स्टीयरिंग व्हील ऐसा दिख रहा है जिसमें अगेन जी आर स्पोर्ट जो है वो थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील में जरूर है, बट ओवरऑल बटन वगैरह जो है और फंक्शन जो है वो वही के वही आपके पास में। ये जो अलग देख पा रहे हैं, ये इंडिया में फंक्शन नहीं आते हैं एडास वाले, तो एडास वाले फंक्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा है थोड़े बहुत में, जो कि लेन की असिस्ट और आपका फ्रंट कोलिजन वार्निंग वगैरह जो है उसके एक्स्ट्रा बटन से। बाकी टैकोमीटर जो है उसमें हल्के फुल्के कलर में चेंजेस है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम इंडिया में देखने को मिलता है, वही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रही है। यही बटन कुछ ऐसे मिलते हैं, ऐसी क्वालिटी बटन की मिलती है। हाँ, थोड़ा सा चेंजेस ये सेंटर कंसोल में आप देख पा रहे हो, ये कार्बन फाइबर जैसी फिनिश जो है वो आपको देखने को मिल रही है, वैसी सी फिनिश जो है वो यहाँ पे दी गई है। यही सारे चेंजेस है बटन, यही आपको गैस के चूल्हे वाला नॉब मिलता है जिसमें आपको H2, H4, H L4 जो है सेलेक्ट करना है। आई थिंक इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है फॉर्चुनर और टोयोटा को, थोड़ा सा इको नॉर्मल स्पोर्ट मोड जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। इधर आपके उसमें बड़ा सा ग्लव बॉक्स है। देखो, क्वालिटी हर चीज़ की ऐसी है कि वो लंबे टाइम तक चलती रहेगी, बट आई थिंक थोड़ा सा अपडेट ओवरऑल फॉर्चुनर जो है वो ऐसा मांग रही है जो कि मज़ा आए, थोड़ी सी प्रीमियमनेस लोगों को दे। टोयोटा का ध्यान उतना ज़्यादा है नहीं क्योंकि फॉर्चुनर नाम से बिकती है। ये आपके पास में थोड़ा सा और स्पेस आपके पास यहाँ पे है, ये ग्लोव बॉक्स है बेसिकली ऊपर, और यहाँ पे जो है JBL के स्पीकर बाहर निकले हुए हैं, जैसा इंडिया वाली में आपको देखने को मिलता है वैसा वैसा यहाँ। ये सनग्लास होल्डर है, ऊपर सनरूफ है नहीं, बट LED लाइटिंग जो है वो यहाँ पे दी हुई है, और डोर के बेस पे बंद चालू जो है अगर आपको करनी हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। कुछ ऐसी सी चीज़ें हैं, उसके अलावा कम्प्लीटली ब्लैक इन ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे दिया गया है, और लोगों को और थोड़ी सी हेडरूम मिले इसके लिए आप देख रहे हो स्कूप्ड आउट चीज़ें। तो ये सब कुछ है भैया फॉर्चुनर GR स्पोर्ट के बारे में। तो GR स्पोर्ट जो है वो तो उम्मीद है आने की, लेकिन एक वर्जन जो है जिसकी कोई उम्मीद नहीं आने की, वो है कमांडर। कमांडर कौन सा है? जी हाँ, फॉर्चुनर कमांडर जो है वो भी यहाँ पे आती है। ये वाला भी, मतलब ऑब्वियसली सब राइट एंड ड्राइव ही है, बाकी ये तो आपने देख ही रखा होगा लेजेंडर। कमांडर जो है वो उसमें भी ये छोटे मोटे चेंजेस जो है इंटीरियर से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली मैं आपको दिखाई देता हूँ कि क्या सब चेंजेस है, वरना आप बोलोगे दिखाया ही नहीं। देखो, इंटीरियर से जुड़े हुए कुछ चेंजेस जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अलग तरीके की फिनिशिंग जो है, अलग तरीके का मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो ये कमांडर में कुछ चेंजेस है। ऊपर की ओर आपके पास में बेज कलर का इस्तेमाल किया गया, जबकि GR स्पोर्ट में ग्रे कलर का इस्तेमाल किया गया, लाइट ग्रे का, जबकि GR स्पोर्ट में जो है कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।